हैं वो पूजा और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 7 में, जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश सैनी आज डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है? सबसे पहले मैं NT24 चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी आवाज़ हमारे लोगों तक पहुँचेगी। जो यहाँ की दुर्दशा है और पीड़ा है लोगों की, वो अब आने वाली 24 तारीख को लोग दिखा देंगे। भारी जन समर्थन मिल रहा है और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, अंबार लगा हुआ है समस्याओं का, उसको मिटाने के लिए, और यहाँ जो BJP का जंगल राज है जो पार्षद के द्वारा कायम किया गया था यहाँ के, उसको मिटाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। जिस हम घर घर में जा रहे हैं, हम बोलते हैं कि कांग्रेस को वोट कीजिए, तो उनका जो मन है कि पिछली बार हमने BJP को वोट दिया था, लेकिन अब की बार हम BJP को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल अब की बार बदलाव चाहती है जनता, ये मैंने महसूस किया इस वार्ड के अंदर। लोगों से बात करके उन्होंने आपको अपनी परेशानी भी बताई होगी, किस तरीके की परेशानियों का को आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे BJP का जो पार्षद है, उसके द्वारा मौली जागरा के साथ चरण सिंह कॉलोनी जो इस वार्ड के अंदर आती है, सौतेला व्यवहार किया गया है। यहाँ के हालात बहुत बदतर हैं, बदतर हो चुके। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ के जो लोगों की मालिकाना हक की जो बात करते थे, वो कभी वादे पूरे नहीं किए गए। यहाँ के जो लोग हैं, चाहे राशन कट गया हो उनका, चाहे और कोई समस्याएं हो, बहुत दुखी परेशान हैं, वो चाहते हैं बदलाव अब की बात। अभी अगर आप चुनाव जीत जाते तो सबसे पहला काम आप लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, प्राथमिक जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, जिसकी हम रोजी रोटी की बात आती है, यहाँ पे रोजी रोटी वाले कमाने वाले वो लेबर तबका, मजदूर तबका सबसे ज़्यादा है इसका कॉलोनियों के अंदर वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है, जो मार्केटों के अंदर रेडी फड़ी लगाते हैं वेंडर्स, उनके ऊपर 2500 2000 रुपये की फीस थोपी गई है, लेकिन वो रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन BJP के द्वारा उस पॉलिसियों के तहत चमड़ी उधेड़ी जा रही है उनकी। तो कांग्रेस जीतने के बाद सबसे पहले 2014 वाली पॉलिसी लेकर आएगी, जो बिना कोई लाइसेंस की फीस के नाम के मजदूरों का कोई शोषण नहीं होता था, वो कोई अवैध वसूली नहीं होती थी, उस पॉलिसी को कांग्रेस लेकर आएगी, सबको राहत की सांस महसूस होगी। हमारे चैनल द्वारा हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो सीधा सीधा है कि बेईमानों की सरकार है BJP, उसको बदलना चाहिए इस वार्ड के अंदर से सबसे पहले, क्योंकि 15 साल एक आदमी बैठा है, जंगल राज कायम हो चुका है यहाँ पे, लोग दहशत के माहौल में हैं, बोल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वोट के माध्यम से आने वाली 24 तारीख को ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर लोगों ने फेंक दिया है। लेखपाल जी, आप समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, चंडीगढ़ में कांग्रेस का क्या स्टैंड अभी आपको दिख रहा है? देखिए, चंडीगढ़ में मेरे हिसाब से 35 की 35 सीटें हम जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और हमारा मेयर भी बनेगा चंडीगढ़ के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में इतनी गुंडागर्दी कर रखी है इन्होंने कि बहुत ज्यादा, हर जगह लोगों को सताते हैं ये, हर जगह मारपीट करते हैं। और यो अभी इन्होंने बताया, इन्होंने एक अपना एक वो बना रखा कि हिंदू। देखिए, हिंदुस्तान है ये, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमको सबको मिलकर रहना चाहिए, और ये हमारी कांग्रेस की ये वो मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब कांग्रेस पार्टी थी सब सेफ थे। आज के टाइम में देखिए, ये जातिवादी का मुद्दा लेकर रखा हुआ इन्होंने, तो ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो अब कांग्रेस पार्टी आएगी, वार्ड नंबर 7 से भी हम को जीतेंगे, ओम प्रकाश सैनी जी को जिताएंगे, यहाँ से कांग्रेस पार्टी जिताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 न्यूज, द नेशनल टेली 24 न्यूज।